श्रीकाल की हालचाल तो अपनी पूरी तस्लीन है नाल। तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह के 6:15 बज चुके हैं और आप सब सोच रहे होंगे आप इतनी जल्दी क्यों उठ रहे हैं। तो आज हम इसलिए इतनी जल्दी उठ रहे हैं कि आज हम जा रहे हैं मैसूर जा रहे हैं, जो बेंगलोर से अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर अवे है। तो रास्ता 2-3 घंटे का, बट ट्रैफिक की वजह से हम काफ़ी जल्दी निकल रहे हैं और क्योंकि आना भी वापस जल्दी है। तो हमारा गोवा का प्रोग्राम भी बन रहा है, लेट्स सी आगे वो गोवा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता उसका नहीं पता, बट फिलहाल मैसूर वाला प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है। तो हम नीचे आए एक दो फोटोज़ लेने के लिए और भैया और पापा आ रहे हैं नीचे, वो पार्किंग से हमें ऊपर से पिक करेंगे। मम्मी भूजी और फुफड़ जी वो नहीं जा रहे तो वो ऊपर ही है और हम सब बाकी जा रहे हैं। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फोटोज़ क्लिक करवा के अभी हम आ चुके हैं पार्किंग में, बैठेंगे अब गाड़ी में और निकलेंगे आगे। और हमारी पार्किंग उस साइड है जिस साइड से लाइट चमक रही है। तो हम अपनी पहली डेस्टिनेशन की जगह पे पहली जगह पे पहुंचे डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले, जो कि पेट्रोल पंप, जो कि गाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्यूल होगा तभी गाड़ी आगे चलेगी। फटाफट से पेट्रोल डलवाते और चलते आगे की ओर। अभी सुबह सुबह बहुत आलस आ रहा है, नींद के झोंके लग रहे। शोले की शूटिंग हुई थी और यहाँ पे रोड पे छोटे छोटे बम्स भी हैं। तो अभी चलते आगे, अब थोड़ा ही रह गया, 1 आर की ड्राइव हो रह गया, फिर आप पहुँच जाएंगे मैसूर। तो हमारे ब्रेकफास्ट में आ चुका है ये हमारा इडली कह रही हूँ, ये डोसा, और डोसे के अंदर ये रहा मसाला जो बिल्कुल छोटू सा है बट ये आ चुका है। और ये आ गया हमारा इडली वड़ा साथ में। तो ये हमारा आ चुका है साथ में उपमा। अभी खाते हैं डोसा, इडली वड़ा एंड उपमा और करते हैं ब्रेकफास्ट एंजॉय विद कॉफ़ी। अभी कॉफ़ी आएगी थोड़ी देर में। तो अब हमने यहाँ ब्रेकफास्ट कर लिया होटल लेमन ग्रास में और अब सीधा जा रहे हैं आगे मैसूर पैलेस के पास। अब जो हमारी ब्रेक है सीधा मैसूर पैलेस के पास ही लगेगी। तो गाड़ी हमने पार्क कर ली और मैसूर पैलेस के पास पहुंच चुके हैं और अंदर रश बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जो कि सुबह के अभी सिर्फ 10 ही बजे पर रश कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। तो ये सुबह के 10 बजे और आप क्राउड देख सकते हैं, रश देख सकते हैं कि राजा का महल देखने के लिए क्या रश है। और दशहरे की वजह से तो ज़्यादा रश है। तो अभी टिकट लेंगे, वहाँ टिकट काउंटर है, टिकट लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। बदलाव आ चुका है, पहले हम मैसूर पैलेस जा रहे थे तो वहाँ पे इतना रश था जो कि मैंने आपको दिखाया था कि अभी सुबह के 10 बजे। तो अभी हम जू जा रहे हैं, जू यहाँ से 1 किलोमीटर अवे थी तो हमने गाड़ी पार्किंग में रहने दी, थोड़ा थोड़ा वॉक कर लेते क्योंकि अभी मौसम बहुत ही बढ़िया है कि थोड़ा वॉक करके जा ही सकते हैं हम। तो थोड़ा वॉक करते करते जू में जाएंगे, फिर होपफुली जू खुला होना चाहिए, खुला ही होगा तो जू में देखेंगे क्या क्या है, फिर जू के बाद दोबारा आएंगे मैसूर पैलेस देखने के लिए। ये रही जू की पार्किंग, आप देखते हैं आगे जाके जू का है, जू दिख नहीं रही पर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश दिख रहा है। तो हम आ चुके हैं और चल रहे हैं अंदर, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश है और चलते हैं अंदर और देखते हैं अब क्या करते हैं। तो ये टिकट का कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो अंदर उस साइड मैसूर जू है और इस साइड पता नहीं क्या है। तो 130 रुपीज़ टिकट फॉर एडल्ट एंड 70 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन। अब मुझे नहीं पता हमें कि इस वे में जाना है कि इस वे में जाना है, लेट्स सी कहाँ जाते हैं। जू में ये है, इतने सारे जानवर है, बंगाल टाइगर, लायन, लेपर्ड। तो चलते हैं आगे और आपको साथ साथ दिखाते हैं जो भी हमें दिखता जाता है। तो ये कुछ है यहाँ पे छोटू सा बच्चा। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे मकाक का डिफरेंट डिफरेंट ब्लू, रेड, ऑरेंज। तो अभी चलते आगे की ओर क्योंकि हर एक चीज़ तो दिखा नहीं सकते, बहुत मुश्किल है दिखाना, पर इंस्टाग्राम पे हर एक चीज़ है। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए जल्दी जल्दी और वहाँ पे देख लीजिए, हर एक मैसूर का हाईलाइट बना होगा तो वो वाला कॉलम में आप हर एक चीज़ चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लेपर्ड्स हैं, वो आगे भी हैं, दूर करके बैठे हैं वो, और ये ज़्यादा हिल नहीं रहे, शायद एक दूसरे से नाराज़ है, और एक वो बहुत दूर जाके बैठा हुआ है। यहाँ पे दो टाइगर हैं, ये बंगाल टाइगर और उसके बैक साइड था वाइट टाइगर, आप वो देख सकते हैं, वो वाइट टाइगर भी आ रहा है। तो अभी जा रहे हैं आगे की ओर, आप देखते हैं आगे लाइन है, तो देखते हैं लाइन हमें देखने को मिलता है कि नहीं। ये भी छुप छुप के बैठे हुए हैं आगे पीछे, जगह आ गया ये रहा लॉइन, एक वहाँ छुप के बैठे हुए हैं पीछे और एक सोया हुआ है। चंदीप कह रहा है ये चंदीप से डर के बैठा है पर ये धूप का नज़ारे ले रहा, मस्त से सोया हुआ है। चलते हम आगे, चंदीप
संदीप की बात पसंद नहीं आई थी, अभी उठा था करवट लेके दोबारा से सो गया, अब चलते हैं। यहाँ पे ये गोरिल्ला है, अब सामने चिंपैंजी था, तो ये बड़े मजे से अभी सोया था तो अभी उठ चुका है, तो अब चलते हैं आगे और आगे देखते हैं कि और क्या क्या देखने को मिलेगा। वैसे जू तो अच्छी है, मजेदार है और मजा ही आ रहा है कसम से। तो मैंने लाइन टाइगर देखी थी जब छोटी होती थी, तो बड़ी देर के बाद वापस मतलब कि अपने होशियार में बड़ी देर के बाद जू में आई हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ है देखते हैं, ब्लैक बग्स भी हैं वहाँ पे, स्पॉटी डियर्स थे और हीनास भी हैं, तो ये काफ़ी अच्छे और ब्यूटीफुल हैं। और मुझे लगता है अब हमारी जो जू है 1 किलोमीटर मोर रहेगा उसके बाद ख़त्म है, तो फिर चलेंगे आगे मैसूर पर। क्यों एलिफेंट्स हैं, लेट्स सी एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते। पीछे आरो बोर्ड तो था और राइनोस का भी। तो यहाँ पे है हमारे इंडियन एलिफेंट्स, आप देख सकते हैं कितना ये प्यारे से लग रहे हैं, क्यूटी पाई से लग रहे हैं। और वहाँ पे उनका खाना आ गया है, उसके बीच उनका खाना आ गया, वो खाना खाने चले गए और ये भी अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे। अभी हम चलते हैं आगे, आगे राइनोज है, राइनोज के बाद आई थिंक कुछ प्लांट्स हैं, फिर ये जू खत्म। जैसे कि हमने देखा पहले एशियन एलिफेंट, ये हैं अफ्रीकन एलिफेंट, तो ये तो रेस्ट कर रहे हैं, दो यहाँ और एक वहाँ है, बाकी नहीं है शायद, बस तीन ही है इनके पास। और यहाँ पे सामने से गौर, तो यहाँ पे गौर फरमाते हुए, गौर नहीं दिख रहे मुझे, दिखाती हूँ मैं आपको गौर, वो रहे गौर्स, यहाँ पे गौर्स भी हैं। तो बस अब थक चुके हैं, कम से कम 3-4 किलोमीटर तब से पैदल चली जा रहे हैं, और अब मैं बस राइनोज देखना चाहती हूँ, राइनोज देख के अब कहीं बैठ के कुछ खाना चाहती हूँ। तो ये रहा राइनोसोरस जिसको मैं कब से देखना चाहती थी, इंडियन राइनोसोरस कितने मजे से खाना खा रहा है। और आगे स्नेक्स भी है, लेट्स सी कौन सा स्नेक है इनके पास, वो भी देखते हैं। तो इसको खाना खाने देते हैं आराम से। तो राइनोसोरस के बाद हमने देखा ये जैगुआर, तो चंदीप इस पे बैठ के घर जाने वाला है, ऐसा चंदीप का कहना है, लेट्स सी घर जाता है कि नहीं जाता। घर का पता नहीं, आपने केज ले लिया मुझे। तो ये रहा किंग कोबरा, तो ये 10 फुट से भी ज्यादा लंबा होगा, आप देख सकते हैं। तो यहीं पे चली जा रहा है, अंदर जा रहा है, पता नहीं कहीं से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बट वहां से अंदर जा रहे हैं, वहां से अंदर गए थे, यहाँ से बाहर आ रहे हैं। ये देखिए, ये ध्यान से आप खाना देखिए, पूरी थाली लगी हुई है, ये किसी इंसान के लिए लगी हुई है, ये लगी हुई है इन इगुआना जी के लिए जो ऊपर बैठी हुई है ना, इनके लिए पूरी थाली परोसी गई है। सो ये देखिए, ये है एनाकोंडा जी, हमारे इंडियन हैबिटेट के हिसाब से ये यहाँ पे नहीं रह सकते, अफ्रीकन हैबिटेट के हिसाब से बने होते हैं, बट इनको यहाँ पे शायद टेम्परेचर कंट्रोल या कुछ हिसाब से करके रखा हुआ, कितना ही प्यारा लग रहा है कलर येलो। देखिए ये क्रोकोडाइल्स विश्राम कर रहे हैं, नाइल क्रोकोडाइल है फ्रॉम इजिप्ट से, और आप देख सकते कितने अच्छे और कितने प्यारे हैं, और देख के इतना डर लग रहा है ना मुझे, है अभी ये केज के अंदर, केज के बाहर हो तो मेरी जान ही निकल जाए। और आप देख सकते कितने बड़े हैं साइज में, यहाँ पे नाइल है और उसके जो साथ में था वहाँ पे मगर है, वो देखिए ये बैठा हुआ है, ये भी सामने, ये देखिए। ये रहा लास्ट इस जू के जिराफ, तो अब इन जिराफ को करते हैं बाय बाय और इस जू को भी करते हैं बाय बाय और अब चलते हैं बाहर। सच में 4-5 किलोमीटर लंबी जू तो है ही, टांगे शांगे दर्द हो चुकी हैं, अब चलते हैं मैसूर पैलेस देखने के लिए।